तो अभी फिर हमारे सामने एक ऐसे कलाकार है जिनकी मैं तारीफ करूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है उसको करने के लिए। सबसे पहले से नाम दे हमारे क्या बात है पंत, मैंने सुना जितने पंत लोग हैं वो काफी सुपर डुपर हिट होते हैं। अभी तक मैं जितने गाने सीखे कर चुका हूँ पंथी और अपने पति का ही सुना हूँ। तो आज क्या आपने क्या कहा देखे भैया फेसबुक को सबसे ज्यादा देखे और इनकी टीम को जरूर देखे यार, काफी अच्छा गाते हैं और मैं चाहता हूँ उनको सब सपोर्ट करें प्यार दें और ज्यादा संख्या में जहाँ भी कार्यक्रम उनको जरूर बुलाएं। तो मैं चाहता हूँ मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने जब ये बात कर दी है तो अपने के नाम भी बता दिया, तो मैं चाहता हूँ कि दो इसकी लैन हो जाए तो अपने होली पे हो क्या गीत है भैया। अब मैं ये मिस मत करना भैया, जितने भी संस्था है जो भी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं प्लीज इस ग्रुप को जरूर बुलाएं एक बार बना। आप इसका नाम बताइए अपने नाम है बहुत ख्याल बहुत ध्यान रखें भैया, उड़ने वाले हैं बहुत जल्द बहुत उच्च स्तर पर पहुँचा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप जो लोग जल्द जल्द जुड़े के साथ और मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से अभी आज उनका यहाँ प्रोग्राम को किया था होली का वो एक सर के मैं उसकी तारीफ करते हुए मैं भी थक जाता हूँ कि भैया आज वो गीत में जो मजा है यहाँ था वो कुछ और ही था। तो उत्तराखंड से हम लोग जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इनके साथ सपोर्ट करें, तो प्यार दें उनको साथ जितने देखा प्रोग्राम होते हैं जरूर बुलाएं और एक बार इनका भी चरणों से उसको जरा वो क्रिकेट करें चाहते हैं कि तो थैंक यू सो मच। आपका होली के लिए कुछ कहना चाहेंगे होली के बाद में हमारे जो लोग जुड़े हैं होली के कुछ कहना चाहेंगे कुछ कहना चाहेंगे आपके सभी दर्शकों को मैं होली की बधाई और सभी के लिए ये होली का त्यौहार मैं सभी को थैंक यू सो मच। आपका बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े आप और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे जुड़े रहे हमारे साथ और ऐसे गाते रहे गाते रहे तक ऊपर गाते रहे थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे बीच में एक ऐसी शख्स है जो उत्तराखंड को चमकाने के लिए बहुत सारी मतलब कोशिश करती है और मैं सबसे पहले उनका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? रेनू बिष्ट। हमारे बीच में रेनू बिष्ट है जो ऐसी कलाकार है जो अपने हाथों से लिखती है और आज उत्तराखंड में उस चीज को काफी लोग इसको पहचानते हैं। तो आप क्या लिखती है बताइए ना साहब मुझे। पहले तो यहाँ आए सभी उपस्थित लोगों को मेरा सादर प्रणाम और अब जब मैं पहाड़ी छू तो देसी बजा के बोलूं। हां बिल्कुल पहाड़ी बोल देते हैं। मैं आजकल पीढ़ी है देखो कि हमारा पहाड़ संस्कृति लोग भूलना बिल्कुल सही तो वही बचाना खातिर मैं अपन लेखनी द्वारा अपन पहाड़ के विषय पर लिख दूं। अच्छा क्या लिख दें तुम? जन लोग तो कई लोग लिखने पर भी चाहते कि हर विषय पर जय हमता कोई हमता वो इसलिए सीख मिलो। जन लोग आजकल पहाड़ों पर यू बोलना चाहिए कि पहाड़ छोड़ना चाहिए पर वो कारण कोई वजह था ना बिल्कुल वजह था बेरोजगार हो जाए दीरोटा खाते हम देश पर देश में रही हूँ। हाँ सुविधा नहीं चन जन आजकल देखे और अपन
कतु लोग बागा शिकार हो जन बिल्कुल सही बात। ये डेल कानून ये सबसे एक वो जो जिम्मेदार जो कानून कानून जो है और जो हमर या मतलब लाख रुपए में बिगड़ो हमर जो अपन फ्री में मिल दो पानी बिजली आदि मां सही बात। और तुम ही लोगों से आप और गाना और अभी मेरे लिए तो गाना भी लिख दू हिंदी गढ़वाली कुमाऊनी अभी तक सबसे सौभाग्य मानो लगता कि हम यार सबसे पहले गाना गाए जमी छठी सात क्लास में था मीना राणा जी दी गाना गई मेरा अच्छा कक कक की कितनी सी बड़े हम थोड़ा सा दी लेना अगर तुम्हारा हाथ एक दो लिखे हम लग गई हम लोग दस्तक ले लो खुद गई छाए गाना रंगीली पिछोड़ी दो लेन है जाए तो बड़े भला चलो मान लीजिए हमारा YouTube YouTube चैनल देख बाद में देख देख नहीं वो भल मांगने करता रंगीली पिछोड़ी मेरी नेट वाली साड़ी छा रंगीली पिछोड़ी मेरी नेट वाली साड़ी छा ननिता लागू म्योला तेरी बुलेरो यो गाड़ी छा ननिता लागू म्योला तेरी बुलेरो यो गाड़ी छा रंगीली आहा रंगीली पिछोड़ी मेरी नेट वाली साड़ी छा ननिता लागू म्योला तेरी बुलेरो यो गाड़ी छा ननिता लागू म्योला तेरी बुलेरो यो गाड़ी छा। क्या बात है देखो कुछ इसमें ऐसी चीज बताई गई है कि जो दिल की बात है वो समझने वाले समझ सकते हैं। गाने के माध्यम से काफी चीजें लिखती हैं और वो ऐसी लिखती हैं जो हमारे साथ बीती हुई गाथा है कि आजकल उत्तराखंड में हमें हम हर चीज से एक मी मतलब आपको पहाड़ है लीजिए मतलब 20 शब्द बोलो जिनमें आदमी मतलब गड़बड़ गाना भी लिख दो कॉमेडियन वो भी लिख दो मिले कॉमेडियन मतलब लोग हंसाने लिखे भी और सीख देने लिखे भी मतलब एक पहाड़ी पोएम आप मतलब पहाड़ लिखे लिखे जाए बिल्कुल खैर कुसस तो आती है खैर कुसस तो आती है उका हुलियार जान में खैर कुसस तो आती है उका हुलियार जान में छिया पन्यारू का पानी मिलता मेरे प्यारे पहाड़ में छिया पन्यारू का पानी मिलता मेरे प्यारे पहाड़ में गोरे चिट्टे खूब दिखते गोरे चिट्टे खूब दिखते देश विदेश के राण में गोरे चिट्टे खूब दिखते देश विदेश के राण में रौनक इनसे ज्यादा होली हमर पहाड़ की कल्याण में रौनक इनसे ज्यादा होली हमर पहाड़ की कल्याण में स्वाद तो ऐसा नहीं आता स्वाद तो ऐसा नहीं आता बर्गर पिज्जा खान में स्वाद तो ऐसा नहीं आता बर्गर पिज्जा खान में सारू मन खुश हो जाता है छंचिया गंजुड़ खान में सारा मन खुश हो जाता है छंचिया गंजुड़ खान में डीजे स्पीकर खूब चिलंगना डीजे स्पीकर खूब चिलंगना अब तक हमारे भी पहाड़ में डीजे स्पीकर खूब चिलंगना अब तक हमारे भी पहाड़ में असली सीनरी तभी आता था झोड़ा मांगो गान में असली सीनरी तभी आता था झोड़ा मांगो गान में टैंक स्टेज भी खूब चिलंगना टैंक स्टेज भी खूब चिलंगना अब तक हमारे पहाड़ में असली सीनरी तभी आता था जब जयमाला अंश होता था थाड़ में असली सीनरी तभी आता था जब जयमाला अंश होता था थाड़ में बैठ सो पकु रिवाज चली गए बैठ सो पकु रिवाज चली गए रात गुजरना सेणुमा असली नींद का तभी आता था पहाड़ की खाड़ी का सेणुमा असली नींद का तभी आता था हमारे पहाड़ की खाड़ी का सेणुमा। क्या बात है क्या बात है। ये कहानी में बहुत चीजें बताई गई हैं और समझ सकते हैं कि इसमें दिल की भी है और हमारे उत्तराखंड की भी बातें हैं। और इन दीदी का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इसी तरह से लिखते रहें हमारे उत्तराखंड को चमकाते रहें और इनके माध्यम से हम वो चीज़ समझ सकते हैं कि जो हमें उत्तराखंड में नहीं है हमें पता है कि पानी से लेकर चाहे वो ठंडा हवा हो या कुछ भी चीज़ हो। तो अच्छा लगता है दीदी आपने कहा अभी होली के मौसम में कुछ कहना चाहेंगे किसी को होली के मैंने तो मतलब मेरे को एक दो ऑर्डर आया गानों करके आप एक दो गाने लिखो होली पे तो मैंने वो आए जो देसी गाने गाते हैं उनका है तो मैंने उसको लिखा था होली का दिन आया है होली का दिन आया है मौसम भी रंग लाया है मौसम भी रंग लाया है चलो अब देर करो ना काना मुझे तो रंग लगाना है तब देर करो ना काना मुझे तो रंग लगाना है। क्या बात है ये भी गीत बहुत अच्छा शानदार है। मैं चाहता हूँ दीदी को सपोर्ट करें और जितने भी गायकार सिंगर जो भी हैं इनसे गाने जरूर लें और उस गाने को अपने माध्यम से गाएं और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड को एक स्तर मिले और एक ऐसी जगह मिले जहाँ हमारे अल्मोड़ा में जो माँ नंदा बसी है तो मैंने उस पर भी भजन बनाए वो जगदीश अग्री जी ने गा रखा है हमारे सुप्रसिद्ध लोग गायक हैं जगदीश अग्री जी तो उन्होंने मेरा नंदा सुनंदा पे भजन गाया क्या? तो वो तो
जय है जो मेरी नंदा माँ सुनंद माई की, जय है जो मेरी नंदा माँ सुनंद माई की, कैला सहुण डल उठी गो नंद माई की, कैला सहुण डल उठी गो नंद माई की, पूजा पाठ करी बेरा सी सजुकायु, आरती की थाली लिबे मंदिर हम आयु, आरती की थाली लिबे मंदिर हम आयु, पूजा पाठ करी बेरा सी सजुकायु, जय है जो ओहे जय है जो मेरी नंदा माँ सुनंद माई की, कैला सोहणी डल उठी गो नंद माई की, कैला सोहणी डल उठी गो नंद माई की। क्या बात है, ये बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस होली के माध्यम से काफी अच्छी चीज सिखाई और हमें अच्छे गीत दिए। मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को आप होली के प्रति कुछ मुबारकबाद देना चाहेंगे क्या? और मैं सबको याद अभी सभी उपस्थित लोगों को यही कहना चाहूंगी कि ये होली का रंग आपके जीवन में खुशियों का रंग लाए, और हम क्या बोल सकते हैं, और मेरी यही शुभकामनाएं सभी के लिए। धन्यवाद, थैंक यू दीदी, आपने बहुत हमें चीज बताई और यहाँ पर अच्छे लगे, इन्होंने गाना जो गाया वो बहुत अच्छा है, सभी लोग इनको भी सपोर्ट करते हैं। जो लेखक होता है वो दिल की बात लिखता है, जो गायक है वो दिल से गाता है, दोनों चीज यही है। तो आप चाहते हैं कि जितने लोग इनके गाने को अगर वो करना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से जो भी आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज इनको सपोर्ट करें और प्लीज इनको जितने भी गाने इनसे लीजिए, और हो सके उनको भी एक बिजनेस दीजिए, क्योंकि एक तरह से ये वैसे मेरे मतलब महेश जोशी जी ने भी मेरा गाना गाया, सुरेंद्र राणा जी ने भी गाना गाया, महेश जोशी जी ने गाया, मतलब सभी लोग गा रहे हैं आपके गाने को। उमा राणा ने गाया, उमा सिंह ने गाया, और एक गाना मेरा मतलब अभी सोमन राणा ने गाया, और एक गाना भी मुझ मेरे से ले रही है, लिया जिन्होंने गाना, वो जितेंद्र जोशी, और हमारे सुप्रसिद्ध जो आजकल फेमस हुए हमारे, मेरे सौभाग्य की बात है मेरा गाना उन्होंने लिया, मेघना चंद्रा और राकेश खनवाल जी ने, मैं तो जानू, और मैं यही शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि मेरा गाने को आपने पसंद किया, मेरा गाना आपने लिए, इन सब सिंगरों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए उत्तराखंड को सपोर्ट करने के लिए आपका एक तरह सहयोग चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ लोग अपने गाने के माध्यम से लेखक के माध्यम से आपको कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट आप लोगों को करना है, और जिस तरह से आपको कोई भी गाना चाहिए तो दीदी से जरूर मिले और वो आपको गाने बेहतरीन बेहतरीन देगी, और अपने उत्तराखंड की व्यथा गथा सब चीज बताएंगे अपने गाने के माध्यम से। तो थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने समय कीमती दिया, आपका स्वागत। सर आप भी आएंगे, कुछ बोला चाहेंगे? सर मैं यूके पहाड़ी ब्लॉक से, मैं उत्तराखंड के चलते हुए। दोस्तों नमस्कार, अभी हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो यहाँ के कार्य करता है, जो भी जितने भी ये पूरा कार्य यहाँ पर कार्य होता है उससे सबसे पहले उनका नाम पूछते हैं। सर आपका शुभ नाम? मैं पवन कुमार मेठानी, उत्तराखंड लोक मंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और एक गढ़वाल हितेशनी सभा जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा गढ़वाल भवन, इसका पूर्व महासचिव हूँ। तो आज हमारा बैठकी होली का कार्यक्रम था, और हम चाहते थे कि उत्तराखंड की लोक विरासतों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो। हम ये होली तो होती है, होली भी सब गाते हैं, ऐसा नहीं कि लोग गलत करते हैं, लेकिन एक लोगों की जो एक खुद होती है पहाड़ की, और जो कुमाऊं की प्रसिद्ध होली है बैठकी होली, जिसमें आज हम लोगों ने सब आनंद के साथ में डॉक्टर कुसुम भट्ट हुए, रमेश कुमार हुए, सतेंद्र प्रणदयाल हुए, अपने परमिंदर सिंह रावत हुए, लक्ष्मी रावत हुए, इन सबके साथ में जो सुंदर होली का आयोजन किया, और इस मकसद यही था, होली का आयोजन करने का मकसद यही था कि हमारी लोक संस्कृति लोक विरासत आगे बढ़े, हमने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। उत्तराखंड लोक मंच करता ही अपनी लोक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा लीक चैप्टर प्रोग्राम करता है। सन 1994 में जब स्थापना हुई थी, उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए हमारी यहाँ स्थापना हुई थी, लेकिन धीरे 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 उत्तराखंड लोक संस्कृति के लिए आज दिल्ली NCR का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वे सबसे वरिष्ठ संस्था उत्तराखंड लोक मंच है। आज हमने प्रोग्राम के साथ साथ में उत्तराखंडी व्यंजन का प्रोग्राम रखा हुआ, खान पान उत्तराखंड का रखा हुआ, जिसे लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। सर आपने बहुत अच्छा किया, यहाँ पर खाने के साथ साथ होली का भी उपलक्ष्य किया, यहाँ पर लोगों को आपके गाने के माध्यम से आपने होली जो खिलाई ना सर, उसका कुछ और ही अलग यहाँ अंदाज था। आज पहली बार हमने देखा कि कहीं फूलों की होली खेली जा रही है, तो यहाँ आज बैठक होली थी जिसको लोगों ने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती किया, और साथ में सर ने बाहर व्यंजन भी बनाए जो अपना उत्तराखंड का शुद्ध शाकाहारी बढ़िया शुद्ध पवित्र खाना जिसे कहते हैं। देखिए होली सब खेलते हैं, होली सब गाते हैं, लेकिन आज आपने हमारे जो प्रोग्राम की जो उत्तराखंडी होली बैठकी होली में चीर बंधन से गणेश बंधन से आज का जो प्रोग्राम हुआ था, पर आशीष
उत्तराखंड होली का आशीष ही तो होना चाहिए। हम स्वस्थ रहें, हम सुखी रहें, हम खुश रहें, हम खुशहाल रहें, मेरा देश खुशहाल रहे, मेरे राज्य खुशहाल रहे, मेरे भाई बहन, मेरे सब देशवासी खुशहाल रहे, तभी तो हम अगली बार फिर होली गाएंगे, इसी के साथ फिर मिलेंगे, होली गाएंगे। तो थैंक यू सर सो मच, आपने कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सौभाग्य सर, आपको ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमें मिलते हैं और आप हमारे इसी चैनल के माध्यम से हम लोगों को प्रमोट करते हैं, ज्यादातर आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से देखें कि आजकल की होली कैसी हो रही है, कि आप जैसे लोग अभी हम इस तरह को बढ़ाए, हम चाहते हैं युवा लोग भी इस तरह से कार्य करें और ये बैठक होली खेलते रहे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत धन्यवाद। सर मेरा यूके पहाड़ी ब्लॉग चैनल है मेरा। दोस्तों आज आपको ऐसी शख्स मिलाने जा रहा हूँ क्योंकि ये सुर में ऐसी बात है यार, सुनकर दिल भी गदगद हो जाता है और हम चाहते हैं थोड़ी देर बाद बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे और उनकी जरूर सुर की आवाज़ जरूर सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि पिछली बार जब हम रहे इनको मिले थे, हम खिदवाई नगर में मिले थे, तो वहाँ पर उन्होंने फ्लूट के माध्यम से बहुत सा ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि इनको गाने हम जरूर उनसे भिजवाएँ और उनसे चाहते हैं कि वो अपने मधुर उस बांसुरी की सुर से आज हमारे साथ फिर कृत करें और चाहते हैं कि इनसे थोड़ा सा वक्त लें और अभी हमारे वो आने वाले हैं तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की है, जैसे आते हैं आपसे की आवाज़ सुनेंगे और हम काम आपको जरूर करके, अगर उत्तराखंड में हम जुड़े हैं तो थोड़ा सा मधुर हमारे उत्तराखंड की बात, जैसे कोई ढोल दमू तथा अच्छा बिल बात मिलाते हैं, उसी तरह से एक फ्लूट भी हमारे ऐसा है जो आप लोग को करता है क्रिकेट, जो हमारे दिल की बात को छूता है, जो उत्तराखंड में हम क्षेत्र पहाड़ों में बैठकर एक अपने दिल की बात जो है फ्लूट के माध्यम से करते हैं। तो आइए हमारे बीच में आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं किस प्रकार से आज वो कार्य करने वाले हैं और किस प्रकार से सबसे पहले से मिलते हैं उनका सबसे पहले शुभ नाम जानते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपका शुभ नाम। अभी हमारे बीच में जयपाल जी सलमान जी यहाँ आ गए हैं और हम चाहते हैं कि उनके आज फ्लूट का जादू देखना चाहते हैं कि किस तरह से बांसुरी की आवाज़ से आप क्रिकेट करने वाले हैं। तो चलिए सर थोड़ा सा आप जो हो जाए छोटे छोटे आप कोई नए नए गीतों के माध्यम से हमें जानते हैं हमारे लोगों को क्रिकेट करें जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमें फ्लूट करवा रहे हैं, तो देखते हैं आज क्या होने वाला है हमारे साथ और कितना अच्छा मतलब आज सुनाने रहते हैं फ्लूट के माध्यम से। मैं चाहता हूँ कि इस माइक को उनके लगा देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा सर, आपने थोड़ा सा सर और जस्ट सुनाइए अपने इसके माध्यम से। और एक ऐसा सुंदर सुर था यार, ऐसा लगता है कि हम जैसे अभी पहाड़ों में ही बैठे और चीज को सुन रहे हैं। तो सर अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा गीत सुनाइए जो कि हमारे उत्तराखंड वाली किसी होली के प्रश्न आगे सुन सके, कोई भी आपको बेस्ट आपको आता है वो सुना लीजिए हमारे जो भी आपको बेस्ट आता है वो हमें सुना लीजिए क्योंकि हमारे Thank you.
बेहतरीन, क्या बात सर, ये ऐसा कैसे करते सर, कैसे बजाते हैं, इसकी क्या बात है सर, हमें भी सिखाइए, कभी हम भी सीखना चाहते हैं। थोड़ा वो रोज बजाने से ही सीखा, एक दिन या दो दिन से बजाने से ही सीखा। क्या बात है सर, आप रोज रोज बजा रहे हैं, तब आप इतना अच्छा बजा रहे हैं, अगर मतलब कभी कभी बजाते तो फिर क्या कर देते, तो काफ़ी अच्छा है। कमता बड़ा मनोरंजन का वास्ते चीज़ है बजाना, गौरमा कभी कभी दौर की याद आए तो हमें चीज़ है हमसे बजाना चाहते हैं। सर ये भी बहुत अच्छी बात है, आप की याद कर कर अगर आप फ्लूट बजा रहे हैं तो सर एक सुर को सीख रहे हैं, आपके पास सरस्वती खुद आ रही है सर, ये चीज़ प्रभु सरस्वती जो आपके पास आ रही है, आपको ये सुर दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आप जैसे लोग हमें मिलते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, तो सर वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर, कि आप जिस तरह से लोग संस्कृत अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए अपने भाषण के माध्यम से उसको सुना रहे हैं, वो सर हमारे थैंक यू सर, सब आप सुनाई और इसी फिर अब कभी हम आपको फिर मिलेंगे और आपको स्कूल स्कूल भी खोले सर, जबकि लोग आपसे सीख सकें कुछ, चलिए कोई बात नहीं, जब सर सीख जाएंगे तो जरूर इनकी क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा और ये आपको जरूर फूल फ्रूट सिखाएंगे और ऐसा फ्रूट सिखाएंगे आप उत्तराखंड के हर गाने को इजीली ही बजा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत धन्यवाद, आप उत्तराखंड हमारी जो होली के मौसम में कुछ कहना चाहिए लोग, मुबारक है सब लोगों का और थोड़ा बहुत हम जब तो बहुत बड़े कलाकार हैं, वैसे छुपे हैं किसी को अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो हम थोड़ा बहुत जो जो बोली भाई भाई साहब बहुत सुपर डुपर कलाकार है ये, बहुत अगर बजाते भी है तो खिलाते भी बढ़िया अच्छा है, चाय बढ़ाई थे हमारे बढ़ाई थे बाड़ी बढ़ाने छो, लेकिन बाड़ी खाण लेकिन क्या डिमांड कह दी ये वो सब बाड़ी बढ़ाई, लेकिन बाड़ी के वास्ते भी हमारे जो सब कुछ मतलब जो असर करेगा, लेकिन वो तो खाणों बिचारों लेकिन तो काफ़ी अच्छा है सर ने, काफ़ी चीज़ हमें खाना भी खिलाया अच्छा और काफ़ी अच्छा बात भी सुनाई, तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं सर को जरूर सपोर्ट करें और इनको ऐसे स्तर में पहुँचाएं कि यार ये जहाँ भी हो अच्छा प्रोग्राम हो ना, जैसे कहीं कोई प्रधानमंत्री अगर कोई प्रोग्राम करें तो जरूर उनको जरूर कर बुलाया और उनको सम्मानित जरूर करें, ये सीख थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत कुछ सीखा जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया अपना और अपनी बातचीत के माध्यम से हमें क्रिकेट की आज मेरे यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, थैंक यू। अरे ये गाँव बोला आजकल जो कहता होता सब जो नोनी मैच करने लग ये मैंने मतलब वे तो सुना मैंने थोड़ा सुना दी सर, हम चाहते हैं आप आए सुनाए ये हमारा सौभाग्य है सर, बस सर इधर कर लेते हैं थोड़ा लाइट फेस पे आ रही है, थोड़ा सा होल्ड करा दोबारा मौजूद सपना दिन पितर जो हम लोगों का सपने माने पितर हम तो इन हम बोलते हैं कि ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ना, बेटी भाई बोलते चल भाई कि मैं तो चाचा फोटो मोबाइल रोन नहीं थे अब हाँ फोन ही छक है कि रोन वे मुंगा फिन रोन कैम हूँ, तो मतलब ये नगाना चाहिए कि जो कि भाई नोनी था पहले जो जीत रहे मतलब काफ़ी मतलब मुसीबत रेंज है हमारा पहाड़ पहाड़ी पहाड़ का और लेडीजन तो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था अपने जमने में, अभी तक भी कना ही छी बाद अभी तक भी जो छना भी पहाड़ों में जो बड़ा जो मर्यादा पर छन वो अभी जो बहुत संघर्ष करती थी और बहुत बड़ा वेपर रहे जो अपने मर्यादा पर लेडीज उनका भी जो तो सर ने काफ़ी चीज़ बताई और अपने भाषण के माध्यम से और काफ़ी चीज़ें हमें समझाई सर से, फिर मिलेंगे एक बार मुलाकात फिर होगी सर से और चाहते हैं कि मैं अपना घर में एक दिन पाँच सौ बजाऊँ और ये गाँव में जब लगाऊँगा तो कोई लेडीज जो बहुत बिल्कुल सही बात, तो वो तब में तो यूँ एहसास हुए कि भाई यूँ मैंने जब इन गाने लगा तो वो नहीं जो आदमी वो मन प्राण जो हों अपने जो जो वो भेगा तो भाई के माध्यम से हमें दर्द भी महसूस होता है कि उसमें सुर ऐसा होता है कि बिल्कुल दिल छू लेता है, तो सर आपने बहुत अच्छा हमें यहाँ सुनाया और काफ़ी चीज़ बताई हमें और ऐसे ही आप गुनगुनाते रहे गाते रहे और चाहते हैं बासुरी के माध्यम से सभी लोगों के तरफ करते रहे, तो थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद, इसी होली के से आपको भी बहुत बहुत होली बहुत मुबारक हो, इसी तरह इसी तरह से आपको होली रंगों के साथ तथा फूलों के साथ खेलोगे इस तरह से हर कार्य आपका सिद्ध हो, थैंक यू सो मच सर, आपका धन्यवाद धन्यवाद। आज हमारे बीच ऐसे शख्स हैं जिनकी तारीफ करूँ की कम है, सबसे पहले नाम से करूँ उनका, मेरा नाम दीवान कनवाल है और अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। देखिए जी हमारे बीच में दीवान जी आ गए हैं और दीवान जी अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल बना दिया था, जिससे गाना जो उन्होंने गाया वह ऐसा लगा था कि हम उत्तराखंड में ही पहुँच गए, तो सर अभी आपको कैसा महसूस होता है यहाँ पर आप गा रहे हैं? बहुत बढ़िया मुझे लगा, मैं अपने अनुभव को भेजा जिस तरह से होली का जो प्रोग्राम हो रहा है आपको कैसा लगता है, होली ऐसी होली के बिल्कुल ये तो मिलने मिलने का एक बहाना बना है हमारे बहुत अच्छा लगा। तो बताते हैं सर आगे अगर आपने जैसे दो लेना हो जाए तो
क्या बात है भैया, इस गीत में बड़ा बहुत ही अच्छा पता अच्छा लगा कि दर्द भी है सबसे और खुद के पक्ष में सर ने गाना गाने दिया कहते हैं कि आलू में आए सपना जिनके सपना आए या जिनके सपना नहीं आए उनके बारे में भी सोचना है। सही बात है, काहे की मैं पार्टी बनाऊँ काहे की स्याही आते भाई पार्टी बनाऊँ जिसमें की स्याही जो उत्तराखंड का मजा है वो दिल्ली जैसे में नहीं है, उत्तराखंड का मजा सही लेकिन जितना मजा उत्तराखंड के अंदर गाँव घर की होली का अलग ही मजा है, रात को क्योंकि सभी लोग आते हैं मिलते हैं जुलते और एक छोड़ लगाते हैं उसका एक अलग ही मजा है। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत धन्यवाद, आपने गिफ्ट मिली और यहाँ पर अपनी जानकारी हमें और गाने के माध्यम से आपने आप उत्तराखंड वालियों के लिए आप गाते हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर, आप शेयर मिला रहे हैं हमारे पास हमारी खाली डिस्ट्रिक्ट में और सर एक जैसे गीत गाकर हमें सुनाया गया इस गीत के माध्यम से हमें ये चीज़ बताया कि उत्तराखंड में उठे आप लोग जैसे आ सकते हैं। एक बार दोबारा लेते
अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारे गाने आ रहे हैं इनके, अच्छा मित्री है, बहुत अच्छी मित्र है हमारी।